ट्रांसवर्स माइलाइटिस लोगों की नज़र में लाइलाज बीमारी है, मैं भी इस बात को मानता हूँ। और एलोपैथिक मेडिकल साइंस में तो यही बात बताई जाती है कि ट्रांसवर्स माइलाइटिस कभी भी ठीक नहीं होती है। हमारे बगल में राम प्रताप जी हैं और वो इसी बीमारी से सफ़र कर रहे थे। हर जगह यहाँ इन्होंने गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज में भी दिखाया, उसके बाद ये किंग्स जॉर्ज चले गए, आफ्टर देन PGI चले गए। पहली बात, राजीव भैया हमारे बहुत करीबी न्यूरोसर्जन है जिन्होंने डायग्नोज किया कि ट्रांसवर्स माइलाइटिस है, और उन्होंने बहुत फ्रेंकली बोल दिया कि इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। मैं वास्तव में टिपिकल टाइप की इस तरह की बीमारियों में यदि मरीज को सिम्टोमेटिक आराम, ठीक है मान लेते हैं कि भाई नहीं सही होता है, लेकिन सिम्टोमेटिक रिलीफ तो दिया जा सकता है ना। यदि हम ऐसे मरीज को उसके पैर पे खड़ा कर दें और उसको चलने फिरने लायक बना दें, इससे बड़ी बात क्या होगी भाई। अंदर बीमारी डायग्नोसिस जो भी बनी रहे, सिम्टोमेटिक रिलीफ यदि बना रहता है, इट्स ओके। एक चीज़ जरूरत है, एक हफ्ते पहले मैंने इनका इलाज शुरू किया, आज तीसरी बार इनको दवा दे रहा हूँ। जो मैं दवाइयाँ यूज़ कर रहा हूँ वो भी मैं बताऊँगा लास्ट में क्या दवाइयाँ दी जा रही हैं। लेकिन ये भी बता दूँ कि ट्रांसवर्स माइलाइटिस के सारे केसेस में वही दवाइयाँ नहीं चलती हैं। ये इनका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन था जो मैंने दिया था, और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन वो होम्योपैथिक मैजिकल मेडिसिन होती है जिससे रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता था। हमें जल्दी आराम चाहिए था, इसीलिए मैंने दवाइयाँ एक एक घंटे और आधे आधे घंटे में भी दिलवाई, और एक हफ्ते में ये बेचारे बहुत नॉमिनल सपोर्ट से चल के मेरे पास आए हैं। वेरी फर्स्ट टाइम इनके बालक आए थे जो इनकी कंडीशन बता के और वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल पे बात करवा के हमसे दवा दे गए थे। एक हफ्ते के अंदर वो नॉमिनल सपोर्ट से, गनीमत है, जो आदमी अपना टॉयलेट ना कर सके बाकी ना कर सके, यदि वो थोड़ा मोड़ा काम करने लायक हो गया, इट्स ओके, बहुत बड़ी बात है एक हफ्ते के अचीवमेंट में। रही बात, बाकी राम प्रताप जी ही बताएंगे उनकी क्या कंडीशन रही और वो कैसे कैसे इस बीमारी से ग्रसित हुए और अब कैसा महसूस कर रहे हैं। डेढ़ साल पहले सबसे पहले किस अंग में काम करना गड़बड़ किया? ये पैर में नीचे मतलब पंजे से लेकर यहाँ तक झनझन इलेक्ट्रिक करंट जैसा लगता है, हर आधे मिनट पर 35 सेकंड 40 सेकंड पर होता है, ठीक है। और जैसे हम खड़े हैं तो हमको गिरने के लिए मजबूर कर देता, ठीक है ठीक है। तो हम रेलवे अस्पताल में इसका इलाज कर डॉक्टर फहीम साहब से कराए, ठीक है। उन्होंने अपने समय से दवा दी लेकिन दवा काम नहीं किया, ठीक है। बीमारी बढ़ते बढ़ते फिर बाएं पैर में भी वही लाल हो गया, इसमें भी पूरा पैर करना झनझन करने लगा, ठीक है। फिर इसके बाद उसके MRI करवाए, ठीक है। MRI रिपोर्ट देखने के बाद रेलवे अस्पताल के डॉक्टर पवन पाल साहब देखे और कहे कि PGI चले जा, ठीक है। फिर यहाँ से रेफर करा कि हम PGI गए, वहाँ जयंती कलिता डॉक्टर हैनीवरो के उनको दिखाए, ठीक है। वो हमारा सारा रिपोर्ट सारा कागज देखने के बाद MRI हुए, कहे कि नस में इन्फेक्शन, हम इसका दवा चला देते हैं, ठीक है। वो एक महीने का दवा लिख दे, ठीक है। मैं लेकर चलाया, एक महीना दवा खाया, फिर दूसरे महीने जब जब मिला था उस पर हम चले गए, ठीक है। फिर 2 महीने का दवा लिख दे, ठीक है। फिर 2 महीना दवा खाए और बीमारी हमारी बढ़ते चली जा रही, मतलब ट्रीटमेंट चलता जा रहा था, बीमारी बढ़ते जा रही थी। फिर हम लड़के से कहे बाबू कि दवा काम नहीं कर रही, लेकिन चलो अब दूसरा कोई उपाय नहीं है, जानकारी नहीं है, कहाँ चला जाए। फिर गए 4 महीने तक, नहीं कोरोना भी मैं बंद हो गया, ठीक है। तो जिस दिन नंबर था उस दिन फोन करके हमसे मांगे कि क्या दिक्कत है, आप कुछ फायदा हुआ तो नहीं करता था, फायदा नहीं हुआ और बीमारी हमारी और बढ़ते चली गई, तो कहा कि दवा को 3 टाइम खाइए, 3 टाइम हमने कर दिया, 4 महीना दवा खा के तब तक 7 महीना गुजर गया, ठीक है। 7 महीना निकलने के बाद और हम एकदम जो भी थोड़ा बहुत चल रहे थे बंद हो गए, बंद हो गया। अब बिस्तर पकड़ लिए, ठीक है। किसी तरह से लड़का ऊपर व्हील चेयर पर बैठा करके अंदर बेकार निकल, तो देखिए कहीं भर्ती हो जाइए, भर्ती कर लीजिए। भर्ती करने के बाद 1 हफ्ता तक भर्ती रहे, उसमें तमाम तरह की जाँचें हुई, एक्सरे हुआ और कौन बायोप्सी का जांच और वो मशीन लगा है, इसमें मशीन लगा कर झट करें तो मार लो, ठीक है। 13-14 तरह की जाँचें हुई, तमाम तरह की, ठीक है। उसके बाद वो भाई खून टेस्ट हुआ, सारे इन्वेस्टिगेशन करवाए, सारे दवा, तो कहें कि विटामिन B12 की कमी पाई गई है और दवा खाइए ठीक हो जाएगा। हम उनके दवा से मतलब दिल में संपूर्ण तो नहीं था, ठीक, लेकिन क्योंकि हम कर क्या सकते, ऑप्शन नहीं था आपके पास, इसलिए खाना था, ठीक है।
वहां से चले गए ट्रेन पकड़ में, जैसे सीढ़ी है वहां हम बैठ गए, दो जीआरपी वाले थे स्टेशन पर, वो और लड़का लाद के किस तरह से तब तक गाड़ी लाद दिए, हमको आप लादवा दीजिए गोरखपुर चले आ गए, किस तरह से लड़का घर ले गया, फिर दवा खाए कभी सुधार नहीं हुआ। फिर इसी बीच में गोरखपुर में तमाम डॉक्टर जिसे पवन सिंह है और एक ओपी श्रीवास्तव है होम्योपैथी का दवा उनके यहाँ भी दिखाया, फिर खैलाबाद एक करेली चौराहा पर एक डॉक्टर है उनको दिखाए, कहीं से रिलीफ मतलब एक नया पैसा भी कहीं से रिलीफ आया हुआ। फिर पीजीआई की दवा से वो गए, हमको हमारे मित्र है पटना के वो उनको फोन किए कि भैया हम तो बेड पर हो गया है और कोई डॉक्टर आपके नजर हो बताए, तो कहे कि हमारे एक रिश्तेदार है उनका पैर किसी ही पत्थर की तरह हो गया था, होम्योपैथिक दवा कराया उनके हाथ दिखाइए, तो उनके यहाँ गए दवा खाए तो उससे भी कोई फायदा ना हुआ, ढाई महीना तक दवा खाए बीमारी हमारी और तगड़ी जाएगी। और जब हमारा छोटा लड़का आपको कहीं से मोबाइल पर कहीं से खोजा हमको नहीं जानकारी इतना, तो वही कहा कि भैया पापा एक बात कर उनके पास जा, हम कहे हाँ, जब एक लड़का एक बार लखनऊ गया तो कौन एक डॉक्टर रोहित हाँ उनको ले, वो भी बेचारे अपने जान में दवा दिए, लेकिन चार दिन दवा तो उससे ही फायदा है। लेकिन राजीव अग्रवाल साहब जो है ये क्लियर किए हमारी बीमारी जो एम आर आई कराए, तो इन्होंने कहा कि इसके विषय में हम जान पाए तो केजीएमयू या किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। रहता गया तो अक्टूबर में नंबर मिल रहा था केजीएमयू का, उनका बीमारी आज है अक्टूबर में कैसे दिखाएंगे, फिर कहीं से लखनऊ गया था तो डॉक्टर को जा क्या नाम था उनको रोहित उनको अपना कहानी सुनाया हमारा, क्योंकि हम तो जान नहीं पा रहे तो वो दिए 10 दिन का दवा, 4 दिन दवा खाया तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ, फिर पता नहीं कैसे लड़का आपको हो जाओ किसी तरह से, पता नहीं कैसे भगवान बच्चों को जाओ एक बार में सब ज्यादा हो सकता है मोबाइल का जवाब। तो ही कहा कि बाबा एक डॉक्टर मिले हम जाए, हम कहें हमसे ना पूछा तू मिली हमें कहीं मिले कहीं से जाकर ले आ, लेकिन हम जा नहीं पाएंगे, अभी हमारा डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करिएगा कि हम उठ नहीं पा रहे तो जाएंगे कैसे, हमारा पैर एकदम नीचे से सिकुड़ के रबड़ के तरह से जमीन से समझिए एक फीट ऊपर उठ गया और पैर सीधा हो जाता है। रात में लड़का दवा ले गया तो रात में तो लखनऊ वाली दवा सवेरे आपका दवा खाए और आपका दवा खाने के बाद 2 घंटे के बाद जब रजाई उड़े सोए बाद में थोड़ा गर्मी लगी और बुलवा बुलवा चला दिए हम लोग, थोड़ा गर्म थोड़ा आग भी जला के थोड़ा गर्म करने की कोशिश करते हैं, तो 2 घंटे बाद लगा कि पैर में कुछ च्यूटी टाइप मतलब खुद सेंसेशन महसूस हुआ, कुछ काटने तो हम कहे कि बाबू इतनी उम्र बीत गई और इतनी जिंदगी में हम पूरे हम लोग समाज में ट्रेन में हर जगह सफर किए, लेकिन होम्योपैथिक दवा के विषय में हम इस तरह से नहीं जानते, ये दवा जो है पता नहीं होम्योपैथिक है एलोपैथिक है क्या है, ये तो तुरंत अपना असर दिखाने लगी और आपका दवा 3 दिन खाने के बाद हमको ये लगा अब हम थोड़ा खड़े हो सकते हैं, तो कोशिश भी किए थोड़ा खड़े हुए फिर बैठ गए, 5 दिन के बाद हम अपने सहारे इस तरह से कुछ दूर का हाथ लगा के ऐसे ऐसे पहुंच जाते हैं गाड़ी कंडीशन ठीक। डॉक्टर साहब ये हम बताएं कि जैसे हम कुर्सी बैठे हैं पहले तो हमको उठाने के लिए बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ी, हिम्मत जुटाने के बाद आपको जैसे कुछ पकड़ रहा ना जैसे कोई स्प्रिंग जैसे हम मैं महसूस कर रहा कि स्प्रिंग हमको पीछे दवा खाने के बाद जैसे लग रहा है इस वजह से उठाने के बाद हमको डर क्यों लग रहा है, हम पता है वो लड़े लड़के को लग रहा है जैसे पीछे से कोई स्प्रिंग जब आगे थोड़ा दबाते हैं ना पीछे से स्प्रिंग, तो हम कहे कि
डॉक्टर साहब गुजरात हमारा नमस्ते बोले बाबू से पिछली बार बोला था कि हम चाहते हैं कि वो खुद चल के आए। धन्य है आपके माता पिता ने जो आपको ऐसे रत्न को पाया और आपको क्वालिफाइड बनाया कि जो आज हमारे धन्य हमारे गुरु जी है। निराशा के जीवन में आप आशा जोड़ दिए। धन्य हमारे गुरु जी है डॉक्टर हर्ष निगम सर कानपुर से बिलोंग करते हैं और उन्होंने हम लोगों को हर एक तरीके का मैनेजमेंट बताया कि किस बीमारी को किस तरीके से। जैसे क्रिकेट गेम में हर आदमी छक्का नहीं मार सकता है उसी तरह से होम्योपैथिक प्रैक्टिस में भी समझना पड़ता है। जैसे हम किसी भी तरह से चलने लायक होंगे हम डॉक्टर साहब पास चलेंगे भी आएंगे तो जरूर और हमारे दास्तान सुनाएंगे कि डॉक्टर साहब पवन सिंह जो है ये हम जिंदगी से निराश कर दिए ऐसा नहीं कि ये कभी नहीं ठीक होना ऐसा बनाया कि एकदम ठीक हो। अब और उसी दिन जब कह हम कहे कि बाबू पूरा एरिया पैसा जितना हो फूको कर्ज खेत बाड़ी भेज दो और हम ठीक हो गए ना तो इनसे हम मिलेंगे जरूर मिलेंगे जरूर मिलेगा मिलेंगे। अब इनको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हम शुरू करवा दे रहे हैं वो दवाइयाँ जो इनको ताकत देते हैं। अभी तक तो बीमारी को कंट्रोल किया गया अब इनको ताकत वाली भी चीजें शुरू करवा दी जाए तो बहुत तेजी से ज्यादा हमको ताकत की जरूरत नहीं समझ रहे मेरी बात घुटने में नहीं जैसे उन्होंने विटामिन बी 12 बोला और ये उसी तरह से हर्बल सोच के कुछ और चीजें जोड़ में खाली दोनों में ताकत मिल जाए तो थोड़ा पंजे एकदम आप उठ के खड़े होंगे आप बिना इसको बिना इसके सपोर्ट के सुनिए यहाँ तक हमें पूरी ताकत मिल रही है। दिक्कत क्या है पंजा थोड़ा कम हो वो भी बढ़ रहा है ओवरऑल मतलब ये है डॉक्टर हम इतने हिम्मत साहब सब ऊपर वाला है पाते थे पैदल हम कलकत्ता चले जाएंगे जाएंगे एकदम जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे एकदम जाएंगे। हम बेड आ गए बेड पर मेरे डॉक्टर 4 बजे भोर में उठते थे और लाइन ड्यूटी हम लोग की जीवन भर 39 वर्ष नौकरी की 3 बजे भोर में गाड़ी और पकड़ना थे तो खाना पूरा बना देती थी लड़की से हमारे मलकिन जब रहते थे मलकिन भी गुजर गए 4 साल से ऊपर होकर लड़के खा और ले करके ट्रेन पकड़ के चले जाते थे और ड्यूटी करके फिर चले आते थे फिर घर पर गाय हाँ गाय गोरु का चारा भूसा करके जाते थे और नहा धो के एकदम फिर आते थे करके जाके खेती भी आपके आशीर्वाद से खेती हम स्वतः करते हैं। आने वाले टाइम में आप फिर इस लायक हो जाएंगे फिर स्वतः जाके खेती करवाएंगे। मेरे कहने का केवल इतना मतलब ये है कि होम्योपैथिक मैनेजमेंट भी सीखना जरूरी होता है। ट्रीटमेंट तो सभी लोग सीख जाते हैं। मैंने इनको जो दवा दी थी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दी थी और एक एक्यूट मेडिसिन दी थी। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन इनकी फॉस्फोरस थी और एक्यूट मेडिसिन लंबम मेड थी। इन दोनों दवाइयों को 10 एम पावर में 1-1 घंटे पर दिलवा रहा हूँ और तब तक मैं दिलवाऊँगा जब तक इनको 80% आराम न मिल जाए। मुझे भी ये बात मालूम है कि रिपोर्ट हमेशा ये सजेस्ट करेगी कि ट्रांसवर्स मायराइटिस सही नहीं हुआ। क्या फ़र्क पड़ता है किसी को ट्रांसवर्स मायराइटिस है चाहे कुछ भी हो। सिम्टोमेटिकली यदि पेशेंट चल फिर रहा है अपना काम कर रहा है बिना किसी पेन की ज़िंदगी गुजार रहा है इट्स ओके मोर देन इनफ है खास करके ऐसी बीमारियों में जिनको लाइलाज समझा जाता है। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट और होम्योपैथिक में मैनेजमेंट सीखने आना चाहिए। रही बात अब इनको मैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट पर डाल रहा हूँ और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ठंडियाँ ख़त्म हों। ठंडियाँ ख़त्म होते ही इनके अंदर मैसिव इंप्रूवमेंट आने लगेंगे क्योंकि कोई भी नर्व का जो कंप्रेशन होता है वो विंटर्स में प्रिसिपिटेट करता है। तो जैसे ही 1 हफ्ते 10 दिन बाद ठंडियाँ ख़त्म होंगी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट शुरू होंगे दवाइयाँ चलती रहेंगी तो हम उम्मीद करते हैं कि अप्रैल मई में ये खुद अपने पैर पर खड़े होकर आएंगे और अपने काम करने लायक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। होम्योपैथी पर बिलीव करिए ये एक्सीलेंट मेडिसिन सिस्टम है। बस ज़रूरत ये है कि इसको हर एक आदमी मैंने भी इसको मैनेजमेंट 10 साल 12 साल बाद सीखा शुरू में थोड़ी कर पाते थे तो ये प्रैक्टिस आपको सिखाती है। रही बात गुरु के बारे में जरूर ध्यान रखिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ थैंक्सफुल हूँ डॉक्टर हर्ष निगम सर के लिए कि जिन्होंने ऐसी बीमारियों का मैनेजमेंट हम लोगों ने सिखाया। जुड़े रहिए आर्ट होम्योपैथी पे ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। थैंक यू।